प्यास के भाव आसमान छू रहे और तुम्हें हर रोज प्यास चाहिए। तो फिर ठीक है, मैं भी आज बिना प्यास के रसोई में कदम नहीं रखूंगी। जाओ, जो करना है करो। घर का तो ये रोज रोज का ड्रामा हो गया है। आज मेरा बर्थडे और किसी को याद तक नहीं। प्यास प्यास प्यास, I'm just fed up of it। नमस्कार स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्याज की बढ़ती कीमत ने मचाया आतंक, मचाया घर में हो रही लड़ाई। अरे ये क्या है? चिराग? ये असली का या नकली का? कौन हो तुम? मैं हूँ जिनी। जिनी? मॉडर्न जिनी। क्या हुक्म है मेरी बच्ची, क्या चाहिए तुम? गोल्ड से, डायमंड से, कैडबरी या आइसक्रीम की फैक्ट्री, कार या बंगलो, बोलो क्या चाहिए तुम? जो कुछ भी मांगोगी मैं वो सब कुछ दे दूंगा। मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जो तुमसे कभी किसी ने नहीं मांगी और तुमने कभी किसी को दी भी नहीं। भला वो ऐसी कौन सी चीज है जो आज तक मैंने किसी को नहीं दी? मुझे 15 किलो प्याज चाहिए। प्याज? और वो भी 15 किलो? हाँ हाँ, 15 किलो प्याज दे सकते हो तुम? ठीक है, तुम्हारा हुक्म सयाखों पर। मैं यूं गया और यूं आया। अरे ये क्या, ये प्याज की दुकान में बंदूक वाले लोग क्या कर रहे हैं? ओ लगता है ये प्याज वाले के बॉडीगार्ड हैं। ये प्याज है या हीरा?
पकाने के लिए प्याज। उफ, आज के लैला मजनू। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, एक हफ्ते पहले जो तुमने मुझसे 20 किलो प्याज उधार लिया था, क्या हुआ उसका? प्याज के लिए धमकी? बाप रे, प्याज है या खतरे की घंटी? ओ भाई, सब्जी में भी प्याज की कंजूसी। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एक प्याज से भरा ट्रक था जिस पर कल रात 4 नक्सलियों ने हमला किया था, जिसमें 3 लोग पूरी तरह घायल हो गए और नक्सली प्याज लेकर फरार। अब प्याज के लिए भी लूट होने लगी। अमिताभ सिन्हा, केसीसी न्यूज। 50 किलो प्याज दहेज में कहां से लाएंगे? कल तक तो उन्हें कुछ भी ना चाहिए था, अचानक 50 किलो प्याज। मैं तो कहता हूँ ये शादी ही तोड़ देते हैं। आज 50 किलो प्याज मांगा है, कल लहसुन मांग लिया तो। लालची लोग, दहेज में भी प्याज। प्याज है या कोहिनूर का हीरा, हर तरफ इसके लिए मारामारी। ओह, आज तक इतनी परेशानी मुझे कभी नहीं हुई। लेकिन कैसे भी मुझे उसे प्याज देना है, देना है, देना है। क्या है? प्याज?